चलिए तो जय चलिए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको हम बता दें कि यह डिस्कशन आपका बिहार एसएससी के लिए स्पेशल चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका बता दें हम क्या चलता है, तो इसमें चलता है एसपीडी, रेलवे का एसपीडी है वो चलता है, ठीक है। और लूसेंट चलता है और दृष्टि का साइंस, यही तीनों चलता है, ठीक है। तो आप इसको अगर आप बुक आपके पास नहीं है तो ख़रीद लीजिएगा और डेली इसको फुल देखिए, फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। तो चलिए हम स्पीडी में देखते हैं 69 नंबर पेज, 69 पेज नंबर, तब इसका आंसर बताइएगा आप लोग। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन है? बोगीबील पुल, असम है, ठीक है। और बोगीबील कहाँ पे है? असम में है। कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पे मोबाइल रखिए। टीवी रिमोट जो होता है उसमें कौन किस किरण का उपयोग होता है? औरक तरंग का उपयोग होता है। चलिए, मेघालय के चेरापूंजी में स्थित विश्व का चौथे सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? डेंथल लेन प्रपात है, हाँ। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मणिपुर में है, केबू लमजुआ नेशनल पार्क, ठीक है। सी आर वाई का फुल फॉर्म बताइए। चाइल्ड राइट इसमें दिया है, एंड यू, ठीक है। चलिए, एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? विटामिन सी का। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम है। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष। सबसे छोटा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को और नाम से भी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया का वो नहीं, दूसरा बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? वाचिन भुटिया। फुटबॉल से इनके नाम पे कहाँ पे स्टेडियम खोला गया है? सिक्किम में, ठीक। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस बुक से लिया गया है? आनंद मठ बुक। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक दिए थे। प्रकाश का निर्वात में चलने के कारण क्या होता है? उसका विद्युत क्षेत्र के कारण होता है, विद्युत क्षेत्र के कारण निर्वात में करता है गमन। चलिए, प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप कौन कौन होते हैं? परावर्तन और अपवर्तन। चलिए, बोफोर्ट मापक्रम क्या मापने में होता है? हवा की गति मापने होता है। पुर्तगाल ने सर्वप्रथम भारत में किस चीज़ की खेती प्रारंभ किए थे? तंबाकू खेती। परासरप तरंगे निर्वात में उत्पन्न कौन सी तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे हैं। परासरप तरंगे आपका ध्वनि। तेल दीप को बत्ती में तेल चढ़ना किसके कारण? किसी तत्व के कारण चढ़ता है। अदीना मस्जिद कहाँ है? बंगाल में है, ठीक है। और मालदा बगान स्थित है, वहीं जिला है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। टीबिया कहाँ की हड्डी है? पैर की अस्थि है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम बताइए। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। एल्कोहल में क्या पाया जाता है, क्या क्या निहित होता है, बोलिए। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निहित होता है, ठीक है। कौन चोल राजा था जो श्रीलंका पर कब्जा किया था? राजराज प्रथम श्रीलंका पर कब्जा किया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या है? डंपिंग का रेट है ना, उसे कम प्राइस पर बेचना, वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर बेचना, यही है डंपिंग प्राइस है। आइए जी, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था, ठीक है, बहुत अच्छा। चेचक रोग किसके कारण होता है? चेचक रोग वायरस के कारण होता है, विषाणु के। राज्यसभा निकाय की अध्यक्षता
गैर राज्यसभा सदस्य करता है, देख लीजिए, गैर करता है। मुगल शासक में मनसबदारी प्रणाली किसने स्टार्ट किया था? अकबर ने शुरू किया था। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या है, क्या कहलाता है? निम्न जो दाब होता है सुलभ ऋण, सुलभ ऋण कहलाता है। कुतुब मीनार की ऊंचाई बताइए, 240 फीट। 240 फीट। अच्छा मीटर में कितना भाई, कितना मीटर? 240 दिए, 240 फीट दे, फीट दिया है, फीट फीट। होम चलिए बताइए, हाँ ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। हाँ यानी महात्मा गांधी रौलेट एक के विरोध मतलब कब किए थे? 1919 के जलियांवाला बाग हत्या कांड, उसमें रौलेट एक के विरोध। चलिए विटामिन, विटामिन किस में सहायता नहीं करता है? पाचक पाचक के एंजाइम में, पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता है। शरीर में कौन कौन अहम भूमिका निभाता है शरीर में? सोडियम क्लोराइड मनुष्य का वह बहुमूल तत्व है जो कहाँ नहीं पाया जाता है? सौर मंडल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में, मेघालय में एलिफेंटा मेघालय में। बैडमिंटन के कॉर्क का वजन कितना होता है? 4.74 से 5.51 ग्राम होता है। चलिए नागालैंड की स्थापना कब हुआ था, कब राज्य? 1963 में, ठीक है। भारत में विद्युत रेल का संचालन 1855 में स्टार्ट हुआ था, 34 किलोमीटर। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कब किया था? 1917 चंपारण वाला पहला था उनका, भारत में, भारत में पूछ रहे हैं। चलिए सर्वाधिक लौह मतलब लोहा किस में पाया जाता है, कौन सा सब्जी में? हरी सब्जी में। चंद्रग्रहण के, चंद्रग्रहण में कौन सा स्थिति बताइए, स्थिति? सूर्य पृथ्वी बीच में आता है, पृथ्वी बीच में आएगा तो चंद्रग्रहण, और चंद्रमा बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण आएगा, ठीक है। दो स्थिति बताए। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। मोटर चालक के पीछे वाला वस्तु को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? उतल, उतल पास के उतल, और हेडलाइट में अवतल, हाँ हेडलाइट में अवतल, पास के लिए उतल। केसर के उत्पादन में एकमात्र कौन भारतीय राज्य है? जम्मू कश्मीर। विटामिन ए कहाँ स्थित रहता है? यकृत में, ठीक है। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, बहुत अच्छा। भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिक परीक्षण कब किया गया था? 1974 में हुआ था, 1974 में किया। भारत हेतु संविधान सुधार के संबंधित कौन से मतलब प्रकाशित किया गया था? मॉन्टेगू चेंज फूड रिपोर्ट 1919 के तहत प्रकाशित किया गया था। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुआ था, शताब्दी बताइए? 14वीं शताब्दी 1336 14वीं शताब्दी 21वीं है, ठीक। 1336 क्रिकेट खेल में, क्रिकेट खेल में विकेट कीपर के बीच की दूरी कितनी होती है? 22 गज होता है। पृथ्वी 15वीं शताब्दी के अंत जैसे 1498 में वास्को डी गामा भारत कहाँ पे आया था? कालीकट उतरा था। क्रिकेट खेल में सबसे, क्रिकेट खेल सबसे पहले कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में खेला गया था। चलिए ओबरा डैश के लिए प्रसिद्ध, किसके लिए प्रसिद्ध? थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है ओबरा, ओबरा ओबरा दूसरा है। चलिए ध्यानचंद के जन्मदिवस में क्या माना जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। चलिए CRISIL कृषि एक क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? आंध्र प्रदेश का डांस है। संसार का सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन है? मिड झील, जिसको बोल्ट बोल्ट बांध पे है, ठीक है, कहाँ पे है? यूएसए में है। लड़ाकू विमान मिराज को कौन देश बना रहा है? फ्रांस ने बनाता है, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल कहाँ से दिया, कहाँ के थे? स्वीडन के निवासी थे, ठीक है। बीच वाले पूछे था अभी,
तो यहाँ ये बताइए लोक नृत्य और आज सतरिया कहाँ का डांस है? असम का। और यात्रा? यात्रा का पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का, ठीक है। सरहुल? सरहुल झारखंड। जाट जटनी? बिहार। बिहार और झारखंड दोनों, हाँ दोनों हो गया। छऊ? झारखंड। उड़ीसा? उड़ीसा। उड़ीसा छऊ तीन बोलते छऊ छऊ छऊ। चलिए आए थे बिहू आपका, बिहू असम, ठीक है। भांगड़ा? पंजाब और हरियाणा, ठीक है। पंजाब हरियाणा। घूमर? राजस्थान। पनिहारी? राजस्थान। डांडिया? गुजरात में। गरबा? गुजरात, ठीक है। लावनी? लावनी तमाशा और दही हांडी, दही हांडी महाराष्ट्र में। मोहन मोहनी अट्टम केरल में, ठीक है। और कथकली? केरल। केरल का दो गो शास्त्रीय मोहनी अट्टम और कथकली केरल में। यक्षगान कर्नाटक, ठीक है। मुखौटा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कर्मा? कर्मा तमिलनाडु। करगम? करगम कर्मा तो झारखंड है, करगम तमिलनाडु। तमिलनाडु हाँ। युद्ध निरित? युद्ध निरित अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए बताइए अब देखिए नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, इसका जो है पूछ लेते हैं। दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना। गोवा? मांडवी नदी किनारे। चलिए लखनऊ किस नदी किनारे है? गोमती नदी किनारे। सूरत? ताप्ती। अयोध्या? सरयू नदी, ठीक है। बताइए हैदराबाद किस नदी किनारे है? मुसी नदी। उज्जैन किस नदी किनारे है? छिपरा, बहुत अच्छा। कोलकाता? हुगली नदी किनारे। श्रीनगर किस नदी किनारे है? झेलम। और जमशेदपुर? स्वर्ण रेखा नदी, बहुत अच्छा। लंदन किस नदी किनारे है? टेम्स नदी, बहुत अच्छा। बगदाद किस नदी किनारे है? टिग्रिस, टाइग्रिस, ठीक है। न्यूयॉर्क? हडसन नदी किनारे है। रोम? टाइबर नदी किनारे। पेरिस? सीन नदी किनारे। बैंकॉक? मीनाम, ठीक है। टोक्यो? ये कौन सा? आराकाबा, आराकाबा, ठीक है। और खार्तूम किस नदी किनारे है? नील नदी किनारे है, ठीक है। यही है आगे है प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित हडसन न्यूयॉर्क में, यह देख लीजिए सब पूछे। प्रमुख स्थल एवं उनके संबंधित व्यक्ति बताइए। शांति निकेतन रवीन्द्र टैगोर के स्थल है, ठीक है। चलिए बेलूर किसका है? रामकृष्ण परमहंस के। आनंद भवन? आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू। जीरा देई तो इनका। कपिल वस्तु? गौतम बुद्ध से, ठीक है, बहुत अच्छा। मक्का? मोहम्मद साहब। बारदोली सरदार वल्लभ पटेल, ठीक है। बेलूर? ये बताइए रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। सदाकत आश्रम राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तलवंडी? गुरुनानक, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए एक और लास्ट पेज इसको देख लेते हैं हम। मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक हिटलर का, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए ली कार्बुजियर क्या था? ली कार्बुजियर एक वास्तुकार था, ली कार्बुजियर, ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। ईवीएम का फुल फॉर्म बताइए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम का। गोरखपुर किस नदी के तट पे है? राप्ती नदी के तट पे। दर्पण में किसका परत चढ़ाया जाता है? किसका परत होता है? सिल्वर नाइट्रेट का परत होता है, ठीक है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में क्या क्या मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन, बहुत अच्छा। बृहत स्नानगर कहाँ पे अवस्थित है? मोहनजोदड़ो, ठीक है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद आर्टिकल 51 के क किसे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? USSR। राज्यपाल के पद का न्यूनतम आयु कितना होता है? राज्यपाल के 35, ठीक है, बहुत अच्छा। 51 के क मौलिक कर्तव्य,
एकाउंट तो रहा यही मुझे न्यायालय में थी थी बैठे हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है देखिए मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य हुआ अधिकार दूसरा है। राष्ट्रीय गान जनगण मन को सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है कलकत्ता अधिवेशन। ऋग्वेद काल के सबसे ऋग्वेद काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे? इंद्र। लाइटर में क्या क्या होता है? लाइटर में ब्यूटेन गैस भरा जाता है उसमें लाइटर में। चलिए बुध किस कुल से थे? शाक्य कुल से संबंधित है। ठीक है तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। विश्व का सबसे बड़ा झील? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर हाँ देश हाँ ठीक है कैस्पियन सागर। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब खोला गया था? 1874 में पश्चिम बंगाल कुल्टी में। ठीक है प्लांट हो जाएगा। जल में अस्थायी तो कठोरता के कारण क्या होता है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है कैल्शियम या एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। ठीक है यह अस्थायी कठोरता बनाता है। गन मेटल में क्या क्या होता है? तांबा टीन और जस्ता। तांबा टीन और जस्ता एल्युमिनियम नहीं होता। वर्जिन एयरलाइंस कहाँ है? वर्जिन एयरलाइंस ब्रिटेन देश का है। ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट पर जल डालने से क्या होता है? कौन सा गैस बनता है? एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। चलिए अमलगन में क्या होता है? क्या रहता है? पारा रहता है। मोहम्मद जीना ने अपना घर कहाँ बनवाया था? मुंबई में। चलिए जीन का आकार कैसा होता है? जीन का सर्पिलाकार होता है। बहुत अच्छा। शर्करा में इंसुलिन किस में शर्करा को इंसुलिन को किस में बदलता है? ठीक है ग्लाइकोजन में बदल देता है। पिंपरी कौन सा उद्योग से संबंधित है? पेनिसिलिन उद्योग से संबंधित है। ओग कहाँ की निवासी है? ओग अंडमान 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 की निवासी है। चलिए अस्पृश्यता का अंत कौन सा आर्टिकल? 17। बहुत अच्छा। गांधी जी ने रोलेट एक्ट को क्या कहा था? काला कमल। ठीक दांडी यात्रा गांधी जी ने कितना किलोमीटर दूर दिया? 322 होकर गलती दिया है। ना ये गलती है 322 किलोमीटर गलती है। ठीक है 79। ठीक है 6 अप्रैल 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। ठीक है हाँ 79 222 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था 1930 6 अप्रैल तक कलम ने फिर लिख दिया ना। गन धातु किसका किसका मिश्रण होता है? कॉपर टीन और जस्ता। ठीक है ये तो ऊपर मिला था गन धातु। चलिए आंसुओं का द्वार के रूप में किसको जाना जाता है? बाबूद मंदक को जाना जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए? टोकोफेरल। बहुत अच्छा। द स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक किसकी लेखक है? नेल्सन मंडेला का बुक है। अठारह जुलाई ठीक है। बच्चा मनुष्य का पिता होता है किस? विलियम वर्ड्सवर्थ का। ठीक है कथन है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान कहाँ है? अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है। ठीक है मुक्त व्यापार क्षेत्र कंडला बंदरगाह है। ठीक है ये आंसर दिया है कंडला बंदरा है ऐसे दिया है मुक्त व्यापार क्षेत्र है कंडला बंदर का कंडला में हाँ टैक्स फ्री मुक्त व्यापार है। बर्फ जमने जैसे बर्फ जब जमाया जाता है तो उसको नहीं पिघलने के लिए उसमें क्या मिला जाता है? जिलेटिन मिलाया जाता है नहीं मतलब पिघलने से रोकने के लिए। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। पहाड़ी नदियाँ जब समुद्र में आकर मिलती है तो इसको हम क्या कहते हैं? किस चीज़ का निर्माण होता है? एस्चुरी का निर्माण होता है। व्यवसाय कर कौन लगाता है? व्यवसाय कर व्यवसाय कर कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाती है। कायदे आजम किसको नाम से जानते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से। चलिए बौद्ध और जैन धर्म
दोनों किसके मतलब कौन उपदेशक थे बौद्ध बिम्बिसार के मतलब शासनकाल में बिम्बिसार के शासनकाल में दोनों का आई थी उपदेश आया था उपदेशक किए थे बिम्बिसार ने कराए थे स्काउट एंड गाइड के जनक कौन है बेबेट एंड पॉवेल बेबेट एंड पॉवेल दूध से क्रीम निकालना कौन सा अब केंद्रीय बल ठीक है राज्यपाल का अध्यादेश जारी होने पर विधानसभा की संतुति आवश्यक है अनुमति लेना पड़ता है फैराडे का नियम किससे संबंधित है राष्ट्रपति राज्यसभा राज्यपाल दो सकते थे हम तो राष्ट्रपति के लिए फैराडे का नियम किससे संबंधित है फैराडे का नियम विद्युत अवघट से संबंधित है एनसीईआरटी के फुल फॉर्म बताइए एनसीईआरटी के फुल नेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ठीक है भारत का बगीचा बेंगलोर गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था हरिलाल सर्वप्रथम बड़ा जी का प्रायोगिक मान किसने दिया था कैवेंडिश ने दिया था ठीक है रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है किडनी करता है ब्रिक चलिए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है अहमदाबाद में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल किस में है आर्टिकल 25 में 25 से 28 है ठीक है ऑप्शन कौन सा बने गए ट्रांस साइबेरियन रेल रूस में है ठीक है रूस द्वारा रूस द्वारा कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है साम्यवादी जिसको कम्युनिस्ट कहते हैं ठीक है चलिए लियो टॉल्स्टॉय कहाँ के थे रूस के थे बहुत अच्छा कारगिल कब हुआ था कारगिल युद्ध 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं विजय के दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जुलाई को यूएनओ का कार्यकारी भाषा क्या है अंग्रेजी और फ्रेंच ठीक है सीएनजी का अर्थ क्या है फुल फॉर्म सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग होता है हाइग्रोमीटर ठीक है भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोटक कब किया था 1974 में पोखरा में 18 मई 1974 उच्च रक्तचाप के कारण क्या होता है मानसिक तनाव होता है ठीक है विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन है थाईलैंड भारतीय दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे राधाकृष्णन थे ठीक है टू बी एंड नॉट टू बी पुस्तक के लेखक कौन है रेयन नॉर्थ लिखे थे ठीक है ईरान और इराक के मध्य कब युद्ध प्रारंभ हुआ था 1980 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था ठीक है सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसने बनवाया था शाहजहां मैं राजा हूँ यह शब्द लुई चौदहवां पढ़ कौन दिया था लुईस चौदहवां दिया ठीक है मैं राजा हूँ मैं राज हूँ का शब्द लुईस चौदहवां अब हम बीच वाला देख लेते हैं रेड वाला महान व्यक्ति का उपनाम चलिए नंगा फकीर चर्चिल कब की कह रहे चर्चिल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब ये गए थे ना तो वहीं से मैं कहा था कि यह नंगा फकीर के इनको मतलब ये कहा था चल वहीं पे बड़े बड़े मतलब लोग आए थे देखने के लिए कि लोकमान्य तिलक किसको देशबंधु चित्रंजन दास ठीक है देशबंधु दीनबंधु बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ठीक है चलिए जेपी 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 जयप्रकाश नारायण पंजाब के श्री लाला लाजपत राय पंजाब के शेर लाला लाजपत राय आज इंसर अला सेट में ठीक बा लौह पुरुष पटेल ठीक बा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त उड़न परी पीटी उषा ठीक है बिहार का गांधी राजेंद्र प्रसाद ठीक है बाबूजी के जगजीवन राम ठीक है और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ठीक है
और आधुनिक मीरा माधवी वर्मा, माधवी वर्मा ठीक है। भारत का आइंस्टीन नगार्जुन ठीक है। भारत का शेक्सपियर कालिदास ठीक है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। चलिए अब बताइए आविष्कार से संबंधित खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज जे.जे. थॉमसन, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड, गोलेस्टीन या रदरफोर्ड ठीक है। न्यूटन का खोज चैडविक, नाभिक का खोज रदरफोर्ड, डायनेमो का खोज माइकल फैराडे बहुत अच्छा, रेडियम का खोज मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी रेडियम को ठीक बा, रेडियम के खोज मैडम क्यूरी, डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल, पीएच स्केल का सोरेनसन, हाइड्रोजन क्यों है हाइड्रोजन क्वेंडिस, हीलियम का हेनरिक क्वेंडिस, और एथी का हीलियम का बताइए, हीलियम का ना भाई इसका एथी हीलियम का अरे लुके यार लुके यार, नाइट्रोजन का अरे रदरफोर्ड रदरफोर्ड, ऑक्सीजन का सीले एंड प्रिस्ले, अक्रिय गैस आर्गन का रेमजे और रेले, थोरियम का बर्जिलियस 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 एक फिल्म है। टेलीविजन का जेल बेयर ठीक है। बैरोमीटर टोरिसिले, रेल इंजन जेम्स वाट स्टीफेंस, ग्रामोफोन एडिसन ठीक है। दूरबीन का गैलीलियो, भाप इंजन का जेम्स वाट, विद्युत चुंबकीय प्रेरक का फैराडे, एक्स किरण के और लघु किरण के जॉन नेपियर ठीक है। टेस्पीडियस खत्म हो गया ठीक है, लघु गौनक के जॉन नेपियर ठीक है। चलिए एसपीडी खत्म हो गया, अब इसके बाद लूसेंट होगा। अरे ठीक है हम बोल देते हैं। देखिए लाइट तो कट गया, इसके लिए खेद है, तो अगर आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा तो हम अंधारा में भी बोल सकते हैं, आवाज़ तो जाएगा ही। दिखाता हो अरे तो मोटरवा लाइट में खींच ले लेगा, दिखाइए जी लाइट दिखाइए। डिपुल जी लाइट दिखाइए, यहाँ पे किताब देखना चाहिए, कहाँ से पूछना है वो। अरे अरे इका है यार, इसमें है बंद करिए रे बंद करिए, चलिए बताइए लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। 1929 में। इसमें किसकी मांग किया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। इस अधिवेशन के यानी लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता कौन कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा ये जो 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया, रावी नदी के तट पर। इस अधिवेशन में किस दिन प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया गया, 26 जनवरी 1930 को। तब से क्या हुआ कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा, यानी 1950 से पहले मनाया जाता था ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में, स्वतंत्रता दिवस, लेकिन इसको स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित आश्रम से 322 किलोमीटर दूर डांडी के लिए प्रस्थान किया ठीक है। लगभग 24 दिनों यानी 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुँच कर गांधी जी ने नमक कानून को क्या किया, तुरंत। 12 मार्च से 6 अप्रैल 12-18 कितना, 12-18 30 6 ठीक तो बाबू
चौबीस दिन होगी कि चौंतीस दिन होगी भाई? हाँ ठीक है, ठीक भाई, चलिए बताइए। अच्छा, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुई रहे, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को नमक सत्याग्रह की तुलना किससे किया था? नेपोलियन के, रूस, नेपोलियन के अल्बा से पेरिस यात्रा से की, उसका मतलब तुलना किए थे। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ? 1931। 5 मार्च 1931, लेकिन इसमें 4 मार्च दिया है, ये स्टार लगाया है, लेकिन 5 मार्च 1931 माने होता है। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया? जब पैक्टवा जब साइन हुआ ना, तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगित कर दिए, ठीक है। आ इसी पैक्ट में क्या कहा गया कि मतलब गांधी जी उसमें जाएंगे, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, ठीक है। कैदी पकड़ाए थे उनको छोड़ने का कहा गया था। गांधी इरविन समझौता कौन समझौता के नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता, जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1931 का सरदार वल्लभ भाई के पटेल के अध्यक्षता में कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ पे? कराची में। कराची में 1931 में हुआ था। अच्छा, इसमें जो कराची में अधिवेशन जो हुआ था, उस समय मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्ररूपित किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, बहुत जवाहरलाल नेहरू। इसको बनाने में जो प्ररूप तैयार किए थे, इसको बनाने में कौन सहायता किए थे? तो एम एन राय, ठीक है। थोड़ा और इधर तनी बारह दे तो चाहे उम्र के। चलिए बताइए, इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। इसी समय गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन का सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण क्या रहा? असफल रहा। गांधी जी किस जहाज से लंदन पहुंचे थे? एसएस राजपूताना। और कहाँ के पोत से इटली वापस लौटे थे? बेंस्टियाना नामक इटली के पोत से वापस लौटे थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1935। द्वितीय वाला 7 तारीख सितंबर। तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, बहुत अच्छा, जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों को प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को क्या प्रारंभ किया? पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को क्या किया गया? वापस किया गया, यानी 2 साल तक और चला सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पठान सत्याग्रही पर गोली चलाने से किसने इनकार किया? द गढ़वाल राइफल्स ने क्या किया? इनकार कर दिया। 23 मार्च 1931 को किनकी फांसी हुई? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इनको क्या हुआ था? फांसी दिया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। 36 यार, नहीं करो यार भाई, हमको ये सबसे डर लगता है मास्टर साहब। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ। अरे ललका का यानी सब खोआ बा एकदम खाई ना। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 1936। हाँ, अप्रैल 1936 में कहाँ हुआ था? लखनऊ में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सजानंद जी था। इसके प्रथम महासचिव कौन थे? एनजी रंगा। बहुत अच्छा। बाद में राहुल स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कौन सा नामक पत्रिका को पटना से प्रकाशित किया था? हुंकार नामक पत्रिका। बिहार से सीख लिए, एक नंबर फिक्स कीजिए। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी, जो हुंकार नामक पत्रिका थी, किसान आंदोलन की पत्रिका थी, ठीक है। तनी बारह कितना नजदीकी खत्म हमारे मुँह ना लगे जाइए, ठीक है। राहुल सांक्रियत
त्यान इस साप्ताहिक पत्रिका के कब संपादक, जो हुंकार नामक जो पत्रिका था 1942 में संपादक बने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पटाभी सीतारामैया को हराकर किनको बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना डेट के साथ बताइए। 1 मई 1939 को कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कौन से नामक सेना बनाई थी? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, जिसको ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस कहा जाता था? जवाहरलाल नेहरू थे। इसका गठन 1927 में हुआ था। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने कहाँ के भूतपूर्व भूतपूर्व था लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, लंदन में जाकर के मार दिए, यानी जनरल डायर की गोली के मरल रहे, माने उधम सिंह पंजाब के सीजन लेफ्टिनेंट। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को कहाँ से व्यक्तिगत सत्याग्रह की आंदोलन की शुरुआत की? पावनार आश्रम से। इस आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन हुए? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू। और तृतीय कौन हुए? तो ब्रह्मदत्त हुए। इसी आंदोलन को क्या कहा गया, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह को क्या कहा गया? दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम क्या मांग किया? भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी किसने किया? तो चौधरी रहमत अली और उसके तीन साथी जनवरी 1933 में प्रकाशित किए गए एक पेम्पलेट में किए। उस पेम्पलेट में क्या लिखा था कि अब या तो फिर कभी नहीं, अब या फिर कभी नहीं, यहीं तक रहने दीजिए ना, यहीं तक लाइट कट जाने के कारण यहीं तक है, इसके आगे कल दिया जाएगा और साइंस कल ही होगा, ठीक है। आज थोड़ा सा लाइट की वजह से खेद है। जो भी लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक चैनल है डी के आई की व्हील, उस पर जॉब अपडेट दिया जाता है, आप लोग उसको भी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। दाब दीजिए।